विजय दिवस पर बुलंदशहर जनपद के खुर्जा कोतवाली में विशाल भारत वर्ष का नक्शा बनाकर 1000 मोमबत्तियों को नक्शे की सीमा पर प्रज्वलित कर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही उन्हें नमन कर याद किया गया। इस अवसर पर बताया गया कि इस प्रकार का वर्ष 2020 में 22वां भारत वर्ष का नक्शा बनाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। ये जल रही ज्वाला भारत की सीमा पर दुश्मन के प्रति जल रही सैनिक के मन का प्रतीक है। साथ ही भारत वर्ष नक्शे की सीमा पर प्रज्वलित की जा रही यह मोमबत्ती की ज्वाला बता रही है जनपद वासियों में देश में शहीद होने वाले जवानों के लिए कितना मान सम्मान है। लगातार इस कार्य में जुटे निकुंज कुमार का कहना है कि इस वर्ष 22वां भारत का नक्शा बना शहीदों को श्रद्धांजलि देने के कार्य में जुटे हैं। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि शहीदों को याद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सर, ये मेरा 22वां नक्शा है। इससे पहले सर मैंने इसी साल में 15 वो नक्शे बना रखे हैं। सर, इससे पहले हमने SSB साहब के यहाँ बनाया था। सर, जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं और सर पुलिस वाले सर 24 घंटे लगातार हमारी सेवा करते हैं, तो सर हमने उनकी जो शहीद हो गए उनकी याद में सर ने नक्शा बनाया है। खुर्जा के पुलिस ऑफिसर ने बताया कि विजय दिवस पर भारत के सैनिकों ने जाबाज वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे और बांग्लादेश का निर्माण किया था, जिसके कारण विजय दिवस पर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी गई है। देखिए, निकुंज एजुकेशन सोसाइटी है ये, जो इससे संबंधित लोग हैं उनके द्वारा थाने में एक भारत माता का चित्र बनाकर इसको मोमबत्तियों से सुशोभित किया गया है। और इसके पीछे मंशा ये है, जैसा आप जानते हैं कि बांग्लादेश युद्ध में 1971 के युद्ध में जो भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की थी, विशेष रूप से उसके उपलक्ष्य में दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण दिन को ध्यान में रखते हुए इस युद्ध में और अन्य युद्ध में जो भारत के सैनिकों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, उनको स्मरण करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी इस गौरवपूर्ण कार्य पर गर्व करने के आदेश से ये कार्यक्रम किया गया है। मैं इसकी पुलिस विभाग की ओर से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहे हैं और रहेंगे। NBC न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।